सब्सक्राइब कीजिए लर्न बेसिक्स को और बेल आइकन को दबाइए कुछ नया सीखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का। मैं हूं विश्व। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में वीडियो फाइल कैसे ऐड करते हैं। जी हां, मैं ऑफलाइन वीडियो की बात कर रहा हूं। मान लीजिए कि आपके सिस्टम में कोई वीडियो फाइल है और अगर आप चाहते हैं कि उसको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में ऐड करना, तो वो कैसे करते हैं आज के इस वीडियो में जानेंगे। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पर बेसिक से लेकर एडवांस तक के वीडियोज देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया है, वहां से जाकर के आप वो वीडियोज देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए, अगर हमें एक वीडियो फाइल ऐड करनी है तो उसके लिए हमको जाना है ऊपर के रिबन में लेफ्ट हैंड साइड में इंसर्ट टैब में, ये रहा इंसर्ट टैब, इस पर क्लिक कर दीजिए। तो नीचे देखिए आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, हमको राइट साइड में चलना है और यहां पर देखिए ये हमें ऑप्शन मिलता है टेक्स्ट का। ठीक है, ये देख रहे हैं आप टेक्स्ट का, एक जस्ट नीचे टेक्स्ट लिखा हुआ है, इसका ड्रॉपडाउन पे क्लिक कर दीजिए। तो जब आप ड्रॉपडाउन पे क्लिक करेंगे तो आपको कई सारे ऑप्शन मिलेंगे, हमको जाना है ऑब्जेक्ट पे। ठीक है, ये सबसे लास्ट वाला ऑप्शन जो है ऑब्जेक्ट पे, इस पर क्लिक कर दीजिए। तो कुछ ऐसा विंडो आपके सामने ओपन होगा। अब यहां पर आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, क्रिएट न्यू और क्रिएट फ्रॉम फाइल। तो हमें क्लिक करना है क्रिएट फ्रॉम फाइल। अब यहां से हम ब्राउज पे क्लिक करके अपनी फाइल सेलेक्ट कर लेते हैं, यानी कि वीडियो फाइल सेलेक्ट कर लेते हैं। तो जैसे ही हम ब्राउज पे क्लिक करेंगे ये हमसे पूछेगा कि कौन सी फाइल ऐड करनी है। तो हम डेस्कटॉप पर चलते हैं और यहाँ पर मान लीजिए कि ये वाली फाइल हम ले लेते हैं। ठीक है, ये मेरा ही एक वीडियो है, मतलब जो हमने यहाँ पर डेस्कटॉप पर रखा हुआ है। ठीक है, इसको हमने यहाँ से सेलेक्ट किया। उसके बाद यहाँ पर देखिए ये इंसर्ट बटन आपको यहाँ मिलता है, इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए इसकी डेस्टिनेशन शो करने लगा है यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर नीचे हमें ओके बटन मिलेगा, जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि ये फाइल यहाँ पर इंसर्ट हो गई। ठीक है, ये देखिए, अब इसको आप पकड़ करके कहीं भी मूव करा सकते हैं। अच्छा, ओपन करना भी बहुत सिंपल है, यहाँ पर डबल क्लिक करिए और यहाँ से ओपन पे क्लिक करिए तो आप देखेंगे कि ये फाइल सब्सक्राइब कीजिए।